Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. कहा जाता है कि नदी के पार वाली पहाड़ी से एक भूतनी रात के समय रिक्शे पर बैठकर शहर की तरफ आ जाती थी। वो सारी रात रिक्शा चलाती और रात के समय कोई रिक्शे वाला अगर सवारियों को लेकर जाने के लिए ना मानता तो वो भूतनी उसकी मदद कर दिया करती। इतना समय गुजर चुका था परंतु भूतनी ने किसी का नुकसान नहीं किया था, बल्कि वो तो मुफ्त में ही लोगों की मदद कर दिया करती। उधर चीनू चिड़िया ने इवनिंग क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एक ऑफिस में जॉब कर रही थी। चीनू ने एक टाइसन नाम का कुत्ता भी पाल रखा था। वो शाम के समय टाइसन को भी अपने साथ ज़रूर लेकर जाती, क्योंकि उसको वापस आते आते रात हो जाती थी। टाइसन, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। जल्दी से अपना खाना खा लो, फिर हम क्लास के लिए चलेंगे, ओके? ठीक है चीनू दीदी, मैं तो रेडी हूँ। फिर चीनू क्लास के लिए तैयारी करने लगती है और चीनू टाइसन को लेकर एकेडमी पहुँच जाती है। क्लास ख़त्म होने के बाद वो वापसी के लिए निकलती है। आज चीनू को क्लास से आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी। अरे टाइसन यार, आज तो बहुत लेट हो गए, जल्दी चलो, चलकर देखते हैं, पता नहीं इस वक्त कोई सवारी भी मिलेगी या नहीं। अरे अभी तक तो आखिरी वैन भी जा चुकी होगी। हाय, सर से कहा भी था थोड़ा जल्दी कर लें, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो दीदी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इतनी बड़ी होकर डरती हो। अब चीनू और टाइसन सड़क पर चल रहे थे और किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, परंतु हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। कालू कौवा भी एक बहुत ही बदनीयत पक्षी था। वो भी शहर की सड़कों पर रिक्शा ही चलाता था, परंतु किसी भी महिला को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद कालू रिक्शा लेकर वहां से गुजरा जहां चीनू टाइसन को लेकर वॉक कर रही थी। जैसे ही चीनू को रिक्शे की आवाज़ सुनाई देती है, अरे वाह टाइसन, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, देखो ना रिक्शे की आवाज़ आ रही है, चलो आओ जल्दी से उसको रोकते हैं, चलो 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 चलो। चीनू और टाइसन रिक्शे की आवाज़ की तरफ भागते हैं। कालू भी चीनू के सामने रिक्शा लाकर खड़ा कर देता है। अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? इतनी रात में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? डर नहीं लगता तुम्हें? चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है तुम्हें? हाय, शुक्र है भैया, आप हमें मिल गए। वो असल में आज मेरी क्लास थोड़ी लेट हो गई, इसलिए मुझे आते आते काफ़ी देर हो गई। वो मुझे ज़रा बाईपास तक जाना है, प्लीज़ आप हमें छोड़ देंगे? अरे हाँ हाँ, बैठो बैठो, तुम्हें छोड़ने के लिए ही तो आया हूँ। टाइसन और चीनू दोनों कालू के रिक्शे पर बैठ जाते हैं। उनको रिक्शे पर बैठे अभी कुछ ही देर गुजरी थी। अरे भैया, ये किस रास्ते से लेकर जा रहे हो? बाईपास का रास्ता तो पीछे गुजर गया। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ये शॉर्टकट है, मैंने सोचा तुम जल्दी पहुँच जाओगी। चीनू को दाल में कुछ काला लगने लगा था। अरे नहीं भैया, तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं और टाइसन यहाँ से पैदल ही चले जाएंगे। रुको रुको, तुम रिक्शा रोक दो। अरे कहाँ चले जाओगे तुम दोनों, मेरे साथ ही चलो ना, मेरा घर ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, तुम रिक्शा रोको, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। देखो अगर तुमने रिक्शा नहीं रोका तो मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन कालू की नीयत खराब हो चुकी थी और वो रिक्शा नहीं रोक रहा था।
यहाँ तक के टाइसन ने कालू पर छलांग लगा दी। टाइसन कालू पर हमला कर देता है, लेकिन कालू भी उसे रिक्शे से नीचे गिरा देता है। कालू चीनू को लेकर आगे निकल गया और टाइसन पीछे से उस पर भोंकने लगा। थोड़ी ही देर में वहाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा भी पहुँच जाती है। भूतनी के पास भी रिक्शा था, उसने टाइसन को अपने रिक्शे में बिठा लिया और कालू का पीछा करने लगी। थोड़ी देर कालू के रिक्शे का पीछा करने के बाद भूतनी अपना रिक्शा उसके आगे लाकर खड़ा कर देती है। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इस महिला को? तुमने क्या सोचा था? तुम उसे ले जाओगे और मैं तुम्हें ले जाने दूंगी। ये सारा इलाका मेरा है और कोई भी यहाँ किसी भी महिला के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में नहीं थी, उसने एक आम चिड़िया की तरह रूप धारण किया हुआ था, इसीलिए कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। अबे तू रोकेगी मुझे? चल हट मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे भी दबोच लूं। जरा अपने आप को तो देखो, एक छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अच्छा तो अब तू देख कि मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर भूतिया चिड़िया कालू कव्वे पर हमला कर देती है और एक ही जोरदार वार में उसको मार देती है। कालू तो उसका एक वार भी सहल नहीं कर पाया था और मौके पर ही मर गया। अरे शुक्र है बहन जी जो आपने मुझे बचा लिया, वरना यह दुष्ट कालू तो मुझे पता नहीं कहाँ ले जाता। अरे ऐसे कैसे ले जाता? जब तक तो मैं यहाँ हूँ मैं किसी का बाल भी भीगा नहीं होने दूंगी। चलो आओ, रात बहुत हो गई है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। फिर चीनू टाइसन को लेकर भूतनी के रिक्शे पर सवार हो जाती है। भूतनी ने उसको उसकी गली के सामने उतारा। चीनू उसको किराया देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ ना तो रिक्शा था और ना ही वो भूतनी। अरे टाइसन ये चिड़िया कहाँ चली गई? अभी तो मैंने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा था और ना ही मैंने उसको ठीक से शुक्रिया कहा। दीदी मुझे भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, जाने कहाँ गायब हो गई वो। चीनू और टाइसन हैरान तो बहुत थे, परंतु फिर भी वो अपने घर आ जाते हैं। चीनू के जहन से ये सारा वाकया नहीं जा रहा था, वो सारी रात इसी चिड़िया के बारे में सोचती रही। अगले दिन चीनू ने ठान ली थी कि वो आज जानबूझकर लेट आएगी ताकि वो चिड़िया उसको दोबारा से मिल सके, और चीनू ने ऐसा ही किया। वो फिर से टाइसन के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी, परंतु वो काफ़ी देर इंतज़ार करती रही लेकिन वो चिड़िया उसको कहीं दिखाई नहीं दी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वो किसी दूसरे रिक्शे पर बैठी और घर आ गई। अरे टाइसन मैं तो कल वाली चिड़िया के बारे में सोच रही हूँ, वो पता नहीं कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। मुझे ये बात कल से बहुत तंग कर रही है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे। दीदी मुझे लगता है कि वो हमारे जैसी नहीं थी, वो किसी और ही दुनिया से आई थी जिसे अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भेजा था। देखा नहीं कि वो अचानक से प्रकट हुई और अचानक से गायब हो गई, कोई तो बात जरूर है। चीनू को तो किसी पल भी चैन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अगले दिन जादूगर तोते के पास जाती है और वहाँ जाकर वो ये सारा किस्सा उसको सुना देती है। देखें जैसे आप बता रही हैं उससे तो यही लगता है
कि वो कोई आत्मा थी। मेरा जादू भी मुझे बार बार यही कह रहा है। अगर ऐसा है जादूगर जी, तो मैं उस आत्मा से मिलना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसको मेरा पैगाम पहुँचा दें कि वो मुझे उसी जगह पर फिर से मिले? जादूगर तोता चीनू के कहने के मुताबिक आत्मा को पैगाम पहुँचा देता है। चीनू घर आ जाती है और अब तो चीनू को उस लम्हे का इंतज़ार था जिसमें वो उस आत्मा से मिलने वाली थी। अब चीनू फिर से उसी सड़क के किनारे खड़ी थी। चीनू थोड़ी सी घबरा रही थी कि अचानक वो आत्मा फिर से प्रकट हो जाती है। बोलो लड़की, तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर तो थोड़ा बहुत लग रहा था, परंतु मुझे ये जानना था कि आपने मेरी मदद क्यों की। मैं उस दिन के बाद से सो नहीं पाई। प्लीज मुझे बताएं कि आपकी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? अब भूतनी अपने असल रूप में प्रकट हो जाती है। चीनू उसको देखकर हुफजदा हो गई। ए लड़की, मुझसे आज तक ये किसी ने नहीं पूछा। मैं तो सालों से यहाँ भटक रही हूँ और यहाँ से गुजरने वालों की हिफाजत कर रही हूँ। लोगों की मदद करके मुझे सुकून मिलता है। आपने मेरी इतनी मदद की थी, इसीलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? कोई तो बात है जो आप यहाँ भटक रही हैं। मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मेरी मदद करने की कोशिश की। लोग आते हैं और मेरी मदद लेकर चले जाते हैं, परंतु मेरे बारे में तो कभी किसी ने नहीं सोचा। तुम वो पहली पक्षी हो जिसने मेरे लिए सोचा। अच्छा, तो फिर ठीक है। अगर तुम मेरी कहानी जानना चाहती हो तो सुनो। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। फिर एक दिन मुझे एक रिक्शे वाले ने रिक्शे से मार दिया और वो मुझे मार कर भाग गया। मेरी लाश वहाँ इतने दिन तक पड़ी रही और वो दुष्ट कभी लौट कर नहीं आया। उस दिन के बाद से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। अगर तुम चाहती हो कि मुझे मुक्ति मिल जाए, तो वो काली पहाड़ी के नीचे मेरा जिस्म दफन है, उसे वहाँ से निकाल कर अच्छे से उसका अंतिम संस्कार कर दो, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। चीनू चिड़िया ने ठान लिया था कि वो उसको जरूर मुक्ति दिलाएगी। चीनू और भी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है और भूतनी का जिस्म निकाल कर उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर देती है और इस तरह से भूतिया चिड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। हाय टाइसन, आज मुझे सुकून मिला है क्योंकि उस आत्मा को मुक्ति जो मिल गई। चीनू टाइसन को लेकर घर आ गई। एक दफ़ा का जिक्र है कि राजू गोलगप्पों का ठेला लगाया करता था। उसके गोलगप्पे बहुत ही मज़ेदार थे, इसीलिए उसकी दुकान पे हर वक्त ग्राहकों का रश लगा रहता। उसकी दुकान के बिल्कुल सामने ही कालू भी गोलगप्पे बेचता था, परंतु उसके गोलगप्पे कुछ खास नहीं बिकते थे। यही वजह थी कि वो राजू से बहुत जलता था। राजू की एक ही बेटी थी चीनू। चीनू अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। राजू भी अपनी बच्ची की हर बात पूरी करता, उसके हर तरह के नाज नखरे उठाता। एक दिन चीनू का रिजल्ट आने वाला था। अरे चीनू, क्या बात है, क्यों उदास बैठी हो? सुबह से देख रही हूँ मेरी बेटी का मुँह लटका हुआ है। बस कुछ नहीं मम्मी, कल मेरा रिजल्ट आने वाला है ना, इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा। चलो जी, इसमें उदास होने वाली क्या बात है,
मेरी बेटी तो है ही इतनी लायक, तुम देख लेना इस बार भी फर्स्ट ही आओगी। हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो मम्मी। इसी तरह चीनू बेचारी सारा दिन परेशानी में ही गुजारती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। शाम को राजू भी आकर उसे बहुत समझाता है और फिर अगले दिन जब उसका रिजल्ट आया तो वो फर्स्ट आई थी। मम्मी पापा ये देखो मैं फर्स्ट आई हूँ। ओ खुदाया तेरा शुक्र है, मैं तो कल से परेशान ही हो रही थी। अरे मेरा बच्चा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, मुझे तो पहले ही पता था कि हमारी चीनू तो बहुत लायक है, वो तो फर्स्ट ही आएगी। मुबारक हो चीनू, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, और तुम खामखा परेशान हो रही थी। राजू को अपनी बेटी के पास होने की बहुत खुशी थी, इसीलिए वो सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाता है। वो मिठाई कालू के घर भी गई थी। हाँ बड़ा आया मिठाई बांटने वाला, अरे क्या हो गया, बस बेटी पास ही तो हुई है तो इसमें मिठाइयाँ बंटवाने वाली कौन सी बात है। ए भाई इतनी खुशियाँ चढ़ी हुई हैं इसको। अरे भाई मुझे क्या, चलो मैं तो मिठाई खाता हूँ। कालू को तो राजू से बहुत ज्यादा जलन रहती थी, हालांकि राजू बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, बस गुजारा अच्छा हो जाता था उसका, और कालू से वो भी देखा नहीं जाता था। एक दिन राजू अपनी दुकान पे बैठा, उसको ठेले को छोड़कर कहीं जाना पड़ता है, वो कालू के पास जाता है। अरे कालू भैया मुझे किसी काम से जाना पड़ गया है, क्या तुम मेरे ठेले का ख्याल रखोगे। अरे हाँ हाँ भैया ये भी कोई पूछने की बात है, तुम आराम से बेफिक्र होकर जाओ मैं देख लूँगा। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया, तुमने तो मेरी इतनी बड़ी मुश्किल ही हल कर दी। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। राजू अपना ठेला कालू के हवाले करके चला जाता है। उसके जाते ही कालू के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। अरे आज तो बड़ा अच्छा मौका है इस राजू से बदला लेने का, अगर मैं इसके गोलगप्पों में मिट्टी डाल दूं तो इसके ग्राहक उसकी दुकान पर आना छोड़ जाएंगे। और फिर कालू ऐसा ही करता है, कहीं से जाकर मिट्टी ले आता है और वो बस उसके गोलगप्पों में मिट्टी मिलाने ही वाला था कि ऊपर से राजू आ जाता है। राजू ने उसे मिट्टी मिलाते हुए देख लिया था। अबे ये क्या कर रहा है बे? अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना, अबे सिटिया गया है क्या, तू रुक जरा, अबे अबे तेरी तो, अबे तू रुक। और फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। राजू को भी कालू पर बहुत गुस्सा था, उसने भी कालू को बहुत मारा और उस दिन के बाद से उन दोनों में नाराजगी शुरू हो गई। लेकिन ये बात कालू ने अपने दिमाग में बिठा ली थी, अब तो वो राजू की जान का दुश्मन ही बन गया था। वो हर वक्त प्लानिंग करता रहता और यही सोचता कि किसी तरीके से वो राजू से बदला ले ले। अरे ये राजू समझता क्या है अपने आप को, मैं तो अभी इसे नहीं छोड़ूंगा, एक ना एक दिन इससे बदला लेकर रहूंगा, आखिर इसने क्या सोचकर मुझ पर हाथ उठाया, बस किसी तरह मेरे हाथ आ जाए तो फिर देखना मैं कैसे इसकी दुर्गत बनाता हूँ। कालू तो बहुत अरसे से कोशिशें कर रहा था कि किसी तरह वो राजू से बदला ले सके, परंतु उसकी कोई तरकीब काम ना आई थी। और फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आता है, अगर मैंने राजू से बदला लेना है तो मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा और मुझे उसका भरोसा किसी तरह जीतना ही होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाकर उससे माफ़ी मांगता हूँ ताकि वो फिर से मुझ पर भरोसा करने लगे। और फिर कालू ने ऐसा ही किया, वो राजू के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। राजू भैया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ,
मैं जान चुका हूँ कि उस दिन मेरी गलती थी और तुमने मुझे सही मारा। मैं चाहता हूँ कि हम पुरानी नाराजगी को खत्म करके फिर से भाइयों की तरह रहें। कालू की ये बातें पास बैठी चीनू भी सुन रही थी। पापा, कालू अंकल को माफ कर दो ना। आपको पता है ना, माफ करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है। प्लीज पापा, देखो ना, कालू अंकल कितने प्यार से माफी मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है कालू भैया, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम्हारी सिफारिश मेरी बेटी ने जो कर दी है, मेरा भी तुम्हारी तरफ से दिल साफ हो गया है। अब से हम पहले की तरह रहेंगे। राजू ने भी कालू को माफ कर दिया और फिर से कालू उसका भरोसा जीतने में कामयाब हो गया। एक दिन कालू भागा भागा आता है। अरे अरे राजू भैया, गजब हो गया, मैं अभी अभी रानो बहन के मैके से आ रहा हूँ। रानो दीदी, तुम्हारी मम्मी बहुत बीमार है और वो तुम्हें बुला रही है। अरे ये क्या कह रही हो कालू भैया, खुदा ना करे मेरी मम्मी को कुछ हो। राजू जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी वहाँ ले चलो। हाँ हाँ ठीक है, तुम तैयारी करो, हम अभी चलेंगे। मैं बस अपना ठेला बंद करके आता हूँ। और बताओ चीनू को क्या करना है, क्या उसे भी साथ ले चले? नहीं पापा, मैं कैसे जा सकती हूँ, दो दिन में मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मैं पेपर कैसे दूंगी? और फिर नानू का घर है भी दरिया के पार, वहाँ तो जाने में भी दो दिन लग जाते हैं। ए राजू भैया, मैं किस दिन काम आऊंगा तुम्हारे? तुम चीनू को मेरे पास छोड़ दो और आराम से भाभी को ले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कश्ती का बंदोबस्त करके आता हूँ। कालू ने ये सारा जाल राजू को ट्रैप करने के लिए बिछाया था और वो बेचारा इस बार उसके धोखे में आ ही गया। कालू ने उसके लिए जिस कश्ती का बंदोबस्त किया था उसने उसमें सुराख कर दिया था और राजू ये बात नहीं जानता था। उसी दिन राजू और रानो उसके मैके निकल जाते हैं और चीनू कालू के घर आ जाती है। वहाँ राजू और रानो कश्ती में बैठकर जब थोड़ी ही दूर गए तो उनको पता चल जाता है कि कश्ती में सुराख है। कश्ती तो डूबने ही वाली थी तो उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों उड़कर ही चले जाएंगे। वो बेचारे काफ़ी देर तक उड़ते रहे लेकिन दरिया बहुत बड़ा था, वो इस तरह से उड़कर पार करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी जब तक उन दोनों में हिम्मत रही वो दोनों उड़ते रहे। आखिरकार वो बेचारे थक जाते हैं और दरिया में गिरकर डूब जाते हैं। वो दोनों मर चुके थे और कालू को इस बात का पता चल गया था। कालू ने चीनू पर भी जुल्म करने शुरू कर दिए थे, उसने चीनू का स्कूल भी छुड़वा दिया था और वो उससे सारे घर के काम भी करवाता। चीनू पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। हाय अल्लाह, ये कालू चाचा कितने गंदे हैं। मेरी मम्मी पापा ने तो आज तक मुझसे कोई काम नहीं करवाया और कालू चाचा तो मुझसे सारे काम भी करवाते हैं और मेरे मम्मी पापा भी मुझे छोड़कर चले गए, मैं अब अकेली क्या करूंगी। अरे ए चीनू की बच्ची, अबे क्या तू अकेले में ही बातें करती रहती है, चल आके मेरे पैर दबा और उसके बाद कुछ कपड़े रखे हैं धोने वाले, वो भी धो लेना। कालू ने तो चीनू के घर पर भी कब्जा कर लिया था और उसके पापा की दुकान पर भी, उसने उनकी हर चीज हथिया ली थी। चीनू ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और उसको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि ये सब कालू ने किया है। वो भी किसी तरह कालू से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन चीनू कालू की मार खाकर निराश होकर घर से चली जाती है। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहाँ बैठकर रोने लगी। रोते रोते उसने महसूस किया कि वो पेड़ उससे बातें करने लगा था। मत रो मेरी बच्ची, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर चीनू ने सब कुछ जादुई पेड़ को बता दिया। पेड़ ने उसे अपने ऊपर से एक जादुई सेब उतार कर दिया। ये लो बेटी, ये एक जादुई सेब है,
तुम इससे अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। इसे ले जाओ और इससे अपनी हर मनोकामना पूरी कर लो। चीनू वो जादुई सेब पाकर बहुत खुश थी। अब तो चीनू की हर जरूरत पूरी होने लगी थी। उसे जिस भी चीज की जरूरत होती वो उस जादुई सेब से कहती तो वो उसके सामने हाजिर हो जाती। ये सब देखकर कालू के अंदर भी लालच आ जाता है और वो भी एक दिन उस जादुई पेड़ के पास चला जाता है। अरे जादुई पेड़ जी, मेरी भी मदद कर दो प्लीज। मैं भी अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मुझे भी एक जादुई सेब दे दो ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमने ये सब तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए ही तो किया है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं राजू और रानू की आत्मा हूँ, जिसे तुमने बेदर्दी से मार दिया था। तुमने हमें धोखा दिया था ना, और धोखे से हमें पानी में डुबोकर मार दिया था। उस दिन तुमने बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया, और आज हमारी बारी है। हम भी तुमसे बदला लेने के लिए इस दुनिया में आए हैं। कालू ये सब सुनकर डर जाता है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जाने दो। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी चीजें चीनू के नाम पर ट्रांसफर करवा दूंगा, परंतु मेरी जान बख्श दो और मुझे जाने दो। कालू की इतनी मिन्नतें करने का भी पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ था, और उस जादुई पेड़ ने अपने जादू से कालू को भी एक सेब में बदल दिया, और अब कालू एक सेब बन चुका था और उस पेड़ पर लटक चुका था। अब तो कालू की किस्मत में भी किसी के मुंह का निवाला बनना लिखा था। उसे भी कोई खा जाता और वो भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। वहाँ चीनू की भी कालू से जान छूट गई थी, और उस जादुई सेब से उसकी हर जरूरत भी पूरी हो जाती।